हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सो हैप्पी. आज मेरे चैनल पे यू नो सूर्य के अलावा एक नए गेस्ट आए हैं. मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस्टर जयेश. हेलो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैंने वीडियो देखी थी, सूर्या भाई वाली देखी थी, और मैंने तब देख के यही सोचा था कि ये मुझे भी चाहिए. And I'm so happy कि ये हो रहा है. चलिए, आपका सपना साकार हो चुका है. पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, there are some questions और इन questions के बाद में हम करेंगे very short rapid fire. Short rapid fire, okay okay okay. ठीक है. और अगर मुझे comments आए कि ये video बहुत अच्छी थी, then हम जयेश को एक hamper भी देंगे. हाँ. हाँ जी. मेरे चैनल पे ये होता है. होता है ये. होता है. हाँ जी. तो जो मैक्सिमम प्राइस होगा, which is हम डिसाइड करेंगे, वो डिपेंड्स ऑन द कॉमेंट्स. हां ठीक है ठीक है ठीक है. तो मैं आपको पार्सल करवा दूंगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. काफी महीनों बाद रिजल्ट आएगा ये, मतलब जेई टाइप की चीज है. नहीं, एक हफ्ते का टाइम होगा. एक हफ्ते. ओके ओके, सही है सही है. चलिए, बिना किसी उसके हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स. राइट. या, वेरी एक्साइटेड. आपने अपने कॉलेज में क्या स्टडी की? हां. और क्या परसेंटेज आई आपके प्लस टू में? एवरीथिंग. तो मेरे क्लास 10 में आए थे 8.6 सीजीपीए, 12 में आए थे 72.5% कॉमर्स. ओके. और मैंने उसके बाद किया बीकॉम, और उसमें भी मैं पास हुआ हूँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन था. ओके. मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार कॉलेज गया हूँ, एक बार क्लास गया हूँ, जहाँ पे अटेंडेंस में मैंने किसी और का रोल नंबर दे दिया. पर अब मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, सो आई एम गुड. यू आर ऑल ग्रेजुएट, राइट? सर्टिफाइड ग्रेजुएट डूइंग डेफिनेटली यूट्यूब. या. तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, अगर आप अपने कॉलेज के डीन बन जाएं, व्हाट चेंज विल यू ब्रिंग इन दैट कॉलेज? इन दैट कॉलेज मैं कंपलसरी अटेंडेंस हटा दूंगा ताकि मुझे भी ना आना पड़े. ये मुझे लगता है 95% यू नो स्टूडेंट्स हैं जो यही सोचते हैं, अटेंडेंस हट जाए और एक 12:30 वाला रूल हट जाए. आपके कॉलेज में होता था? मैं दीदी कभी गया ही नहीं हूँ. मेरे कॉलेज में ऐसा होता था कि विमेन कॉलेज कि 12:30 से पहले तुम बाहर नहीं जा सकते. ओके. तो वी रियली यूज्ड टू हेट आवर कॉलेज. व्हाट इज योर गो टू ड्रिंक एट अ रेस्टोरेंट? ये डिपेंड करता है एक्चुअली दीदी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ उस दिन. एक गो टू ड्रिंक थोड़ी होता है. नॉन अल्कोहलिक. नॉन अल्कोहलिक. या. तब तो मतलब बहुत कम दिन है जिस दिन मैं ऐसा फील कर रहा होता हूँ. नींबू पानी, यू नो, मोहितो. वर्जिन मोहितो. मतलब ना भी होता तो भी मुझे तो चलता. What is your love language? Love language? What is your love language? थोड़े से मैं explain कर देती हूँ. हाँ, please बताओ. हर बंदे की अपनी अपनी you know प्यार दिखाने की वो होती है. हाँ. Like either they show through their words, actions, by care. What is your love language? I think all of them. But कोई एक चीज you know if you have to like how would you show your love to your girlfriend? By everything, जो भी आपने बोला. मैं expect कर रही हूँ आप honestly, you know. नहीं, मैं तो बिल्कुल honest हूँ. I'm not gonna lead you to any answer. मैं तो बिल्कुल honest answers दे रहा हूँ. What would be the first thing you'd do if you win a lottery today? Win a lottery? कितने जीता हूँ मैं? 5 crore. 5 crore? 3 crore का घर, 1 crore की गाड़ी, बाकी 1 crore से जुआ खेलूँगा. No investment. That is such a big investment. What's your first Ideal date क्या होगी? मैंने जानबूझ के ये questions you know रखे हैं अपने इस video में ताकि जो लड़कियाँ persuade कर रही है जयेश को, they get a clue. हर first date ideally होता है दीदी. बस first होनी चाहिए. हाँ, I think. Second नहीं होनी चाहिए. मतलब second भी हो तो वो second भी होती है, तो ideal second date भी होती है, पर मतलब first date. पर क्या करना पसंद करोगे? कई लोगों को walk करना पसंद होता है, कई लोग restaurant में लेके जाते हैं, कईयों को movie पे जाना अच्छा लगता है, कई खाने के लिए जाते हैं, like a food date. हाँ? I'm gonna censor this. जिस लड़की को इसका आंसर जानना है, please DM me on Instagram, I'll let you. That's really funny. What makes an apology feel genuine to you? I think if it is backed by changed actions. But actions तो बाद में पता चलेंगे ना? तब तक मैं मानता ही नहीं. So you're gonna give some time to think about what the other person is doing around you, towards you. हाँ, मतलब you know, मतलब apology, you accept an apology, but you don't accept it straight away. I think it takes time to sink. मुझे लगता था जयेश is very immature, just a personal opinion, but ये 5 दिनों में you know I get to know you really well. Next 3 questions are related with what you do as a profession. Okay. What is the best part of your job? I think कि मैं किसी भी time पे कुछ भी कर सकता हूँ अगर मेरा मन हुआ तो. मतलब Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday, कितने बजे ना, कुछ matter नहीं करता. Mostly the flexibility. Yeah, flexibility. You like the flexibility. Definitely. In the job and in the girl. मैं पूछना चाहूंगी, आपने अभी तक जितना भी अपना प्रोफेशनली YouTube
अप्रोच किया राइट व्हाट वाज योर बेस्ट हाईलाइट बेस्ट हाईलाइट ऑफ माय ऑल ऑफ दिस एक हाईलाइट तो आई थिंक एक हाईलाइट बनाना तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे साथ मतलब ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी यू हैव बैड डेज और फिर उसके बाद जब एक अच्छा दिन जाता है तो यू नो मतलब वो फ्रॉम टाइम टू टाइम आई फील ग्रेटफुल एंड मतलब आई एम एबल टू डू दैट तो आई थिंक ऐसे भी मोमेंट्स आते रहते हैं काफी डिप्लोमेटिक आंसर बट आई एम गोना टेक दैट एज एन आंसर हु इज द पर्सन हु हैज यू नो क्रिएटेड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन यू दैट मोटिवेटेड यू टू यू नो परस्यू YouTube मतलब ऐसे मैं पहले ना YouTube देखता नहीं था बनाने से पहले इंडिया में क्या हो रहा है मैं देखता नहीं था एंड आई डिडंट और फिर बाहर के मैं देखता था बट मुझे कभी भी यूट्यूबर बनना नहीं था ऐसे जब मैंने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया था यू नो तो आई वुड से सनरे भी कि मैंने उसको देखा था जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स थे एंड आई थिंक ही वाज लाइक 10-15,000 तो मतलब आई न्यू कि मतलब वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है पर बस वो जो दिखा मुझे कि व्हाट ही वाज डूइंग एंड हाउ पीपल वर कनेक्टिंग विद इट आई थिंक दैट वाज वेरी आर यू बीइंग ऑनेस्ट या डेफिनेटली आई एम हिज गर्लफ्रेंड नो नो आई थिंक डेफिनेटली आई एम बीइंग ऑनेस्ट नेम 5 यूट्यूबर्स जो आपको बहुत पसंद लाइक यू लाइक टू वॉच 5 यूट्यूबर्स दैट आई लाइक टू वॉच स्पीड कैसेनाट मेरे सारे दोस्तों को तो मैं देखता ही हूं आई थिंक मैं अपने दोस्तों से एक्सक्लूड करके अगर बोलूं तो आई थिंक सिर्फ स्पीड और कायसेनाट को मैं देखता हूं कभी कभार यू नो इफ दे डिड समथिंग फनी व्हाट इज द वन थिंग यू मिस द मोस्ट एट योर एज मतलब कि मतलब जो अब मैं मतलब जिस एज का मैं हूं और मैंने मिस करना अब स्टार्ट किया डू यू इवन मिस एनीथिंग और यू आर वेरी हैप्पी आई वोंट से आई एम वेरी हैप्पी लेकिन मतलब ऐसा मतलब यू नो और डू यू मिस वन ऑफ योर एक्सेस यू नो व्हाट डू आई एम जस्ट ट्राइंग मतलब पता नहीं आई थिंक यू नो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पे मतलब आई हैव सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू कि आई डोंट रियली मिस एनीथिंग चैड वेरी चैड आंसर व्हाट समथिंग न्यू यू हैव लर्नड रिसेंटली आई थिंक रोज नहाना हम 5 दिन से ना एक ही घर अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं तो डोंट टेल मी हम सबको देख के आपने सीखा है नहीं मैंने उसके थोड़े टाइम पहले ही सीखा था बट वेरी रिसेंटली आई लर्न दैट कि रोज नहाना हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट जय या आई एम वेरी हाइजीनिक मैं बस रोज नहाता नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गर्लफ्रेंड कम ऑन वैसे भी अब तो सीख गए नाउ यू गोना टेक शावर एवरी डे आई डू या डेफिनेटली और मे बी ट्वाइस अ डे दैट इज टू फार व्हाट्स समथिंग People often get, you know, wrong about you. Think कि मैं हमेशा मजाक के मूड में होता हूँ. Think that is not true. A lot of times people, when they talk to me, they just expect, you know, they come in with a different energy. मैं बताना चाहती हूँ, मैंने 5 दिन में जो observe किया है, जे is very serious person. इसके जो humor है, that is very under the table kind of humor, like. चार लोग बैठ के बात करेंगे अपनी एक बात बोल देगा और 5 मिनट बाद रियलाइज होता है कि अच्छा he said something that was funny it's very very hard for me to understand at least जो मैंने नोटिस किया है if you have to delete one habit of yours I guess अपना रूटीन फिक्स कर लूँगा मैं the very first question you said कि you really like the flexibility or whatever then what's the routine you want to fix I think flexibility अच्छी चीज है I think that's the thing I like the most about it but I feel like that is all the also the thing that makes me lack the most so I think I need some discipline 50-60 if you stop doing it you'll be very you know disciplined और आपको पता चला हम almost अपने आखिरी question पर आ चुके हैं पता ही नहीं चला मुझे very very weird questions चलो ठीक है एक last question interesting question before our rapid fire starts very serious question हाँ What is the pain in you? You wish you could heal. I think मतलब जितने भी थे ना उनके बारे में मैं stream पे मजाक कर लेता हूँ तो अब it's very hard to let go. मतलब उससे फायदा हो जाता है कई बार. And I think मतलब वही you know I would just like to you know one pain that I would remove would be just like nothing. I guess just things that make you doubt yourself you know. Just that and have a clear vision. It's very hard. It's very hard to get answers from Jayesh. Yeah. The next segment is rapid fire, and usme sirf 5 questions hai. You have to answer really fast. Okay. Yeah? Pizza or noodles? Pizza. Rainy or foggy weather? Foggy. Whiskey or beer? Whiskey. Skirts or jeans? Skirts. What's one piece of advice to everyone watching this? They didn't believe in us. God did. Oh, yeah. Just believe in yourself and God will. That's a very good advice.
मुझे लगा दिस इज योर चैनल्स वो गॉट इट रियली मीनिंगफुल एडवाइस जो मिस्टर जे ने हम सबको दी है एंड आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड द वीडियो. आपको अच्छी लगा ये? हां मुझे तो बहुत अच्छा लगा. क्वाइट क्या अब दोबारा करना चाहेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम मिले? बिल्कुल बिल्कुल. मुझसे ऐसे सवाल कभी मतलब किसी ने नहीं पूछे. मैंने सोचा ही नहीं कि कोई मुझसे ऐसे कुछ पूछ सकता है. जिंदगी में ये सवाल होते भी हैं. डेफिनेटली आई हैड नो आईडिया. चलिए ठीक है अब हम बंद करते हैं अपनी वीडियो. आई थिंक एंड आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. बाय. Cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tight, you in love with being modest. You a mood body giving scene reviews. I'm just saying I'm amused. But you ain't even flexing.